महिलाओं का राजनैतिक अधिकारों के लिए संघर्ष। भारत में महिलाएं कुल जनसंख्या की लगभग आधी हैं। क्या उनकी भागीदारी बराबर की है? क्या कोई लोकतंत्र आधी जनता यानी महिलाओं की भागीदारी के बिना सफल हो सकता है? दुनिया के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को इन अधिकारों को हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा लगातार कई अधिकारों की मांग की। महिलाओं ने अपने मताधिकार के लिए बार बार मांग उठाई और अंतर्राष्ट्रीय वयस्क मताधिकार आंदोलन के साथ भी जुड़ी। सन 1913 में बुडापेस्ट यूरोप महाद्वीप में होने वाले वयस्क मताधिकार गठबंधन सम्मेलन में कुमुदिनी मिश्रा को भारतीय महिला प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। 1917 में जब प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हो रही थी तो महिलाओं ने अपनी मांगों के संबंध में कहा कि उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। सन 1921 में पहली बार मद्रास विधानसभा ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। सन 1935 के अधिनियम में महिलाओं के लिए विधानसभा में अलग से सीटों का आरक्षण किया गया। सभी महिलाओं को वयस्क मताधिकार भारत का संविधान बनने पर ही मिल पाया। स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे महिला संगठन मजबूत होने लगे, महिलाएं केवल अपने निजी जीवन से जुड़े अधिकारों जैसे शिक्षा, नौकरी, व्यक्तिगत सुरक्षा व दहेज से मुक्ति, संपत्ति में भागीदारी आदि अधिकारों से आगे बढ़कर राजनैतिक संस्थाओं में अधिक भागीदारी की मांग करने लगी। पुत्र और पुत्री को पिता की संपत्ति में समान अधिकार है, यह कानून सन 1956 में बन गया था। इस कानून को बनवाने के लिए कानून के समर्थकों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। पुराने रीति रिवाजों को मानने वालों ने इसे परिवार को बांटने वाला कानून बताया। इसका समर्थन करने वालों ने न्याय तथा समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर इसके पक्ष में जोर दिया। सन 1956 के इस कानून में कई कमियां थी जिन्हें दूर करने के लिए सन 2005 में इस कानून को और भी सशक्त बनाया गया। विभिन्न राजनैतिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। भारत में 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को स्थानीय प्रशासन के निकायों जैसे ग्राम, जनपद व जिला पंचायत, नगरपालिका और नगर निगमों में 33% सीटों पर आरक्षण दिया गया था। वर्तमान में कई राज्यों में यह आरक्षण 50% हो गया है। स्थानीय स्वशासन में महिला पंचों व सरपंचों को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनमें से एक बड़ी कठिनाई थी कि महिला पंचों व सरपंचों द्वारा लिए गए निर्णयों को मानने के लिए पुरुष मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। स्थानीय शासन की संस्थाओं के पास इतने अधिक अधिकार नहीं थे जिनसे वे समाज में अधिक प्रभाव डाल पाती तथा अपनी क्षमताओं से समाज में कोई बड़ा बदलाव ला सकती। यही वजह थी कि महिलाओं ने राज्य विधानसभा तथा संसद में 33% आरक्षण की मांग रखी। संविधान के 81वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए संसद में 33% आरक्षण के विधेयक को प्रस्तावित किया गया, लेकिन आज तक यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाया है। सभी राजनीतिक दल 33% आरक्षण पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, परंतु विभिन्न कारणों से राजनीतिक दलों में इस विधेयक के स्वरूप पर सहमति नहीं बन पा रही है।